नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं खबरदार। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत में 8 दिन से लापता बांग्लादेश की सांसद अनवरुल अजीम अनार कोलकाता के एक फ्लैट में मृत मिले। कोलकाता पुलिस ने बताया कि सांसद अनवरुल का शव न्यू टाउन इलाके के एक फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। इस मामले में 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसे प्री प्लान मर्डर बताया है। अजीम 12 मई को इलाज के सिलसिले में भारत आए थे। राजस्थान की पश्चिमी सीमा से सटे भारत पाक बॉर्डर पर पारा 50 तक पहुंच गया। बीएसएफ ने अपने एक जवान का रेगिस्तान की मिट्टी में पापड़ सेकते हुए वीडियो शेयर किया है। यूपी दिल्ली समेत 5 राज्यों में अगले 5 दिन हीटवेव चलेगी। उधर तमिलनाडु में तेज बारिश जारी है। कोयम्बटूर के अजयार में पिछले 24 घंटों में 5 इंच बारिश हुई। 23 मई को बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना है। मछुआरों को तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों ही पार्टियों से भाषणों में मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। आयोग ने दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया। साथ ही भाजपा से उन प्रचार भाषणों को रोकने के लिए कहा जिसमें समाज में बंटवारा हो सकता है। पीएम मोदी ने यूपी की बस्ती में बुधवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान पस्त पड़ चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हुए हैं। यह हमें डराते हैं, इनको मालूम नहीं है कि 56 इंच क्या होता है। पीएम मोदी शाम को दिल्ली में रैली करेंगे। दिल्ली की 7 सीटों पर 6ठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग है। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई से वापस दिल्ली ले आई। विभव को आईफोन का डेटा रिकवर करने के लिए मुंबई ले जाया गया था। विभव कुमार 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपने आईफोन को फॉर्मेट करके डेटा किसी और को ट्रांसफर कर दिया था। उस पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट करने का आरोप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चरखी दादरी में रैली की। राहुल ने कहा, मैं देश का बेटा हूं और पीएम नरेंद्र मोदी देश के राजा हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके 1 महीने बाद 4 जुलाई को देश की करोड़ों महिलाओं के खाते में 8500 रुपए आएंगे। हरियाणा की 10 सीटों पर 6ठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग है। IBJA की वेबसाइट के मुताबिक चांदी आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 221 रुपए महंगी होकर 93,094 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले मंगलवार 21 मई को चांदी 92,873 रुपए पर थी। वहीं 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए पर आ गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी सैन्य इलाकों में न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी। अल जजीरा के मुताबिक रूस इस टेस्ट से पश्चिम देशों की धमकियों का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 50,000 रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को लेकर चर्चा है कि वो प्रेग्नेंट है। लंदन से उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैटरीना लूज आउटफिट पहने धीमे धीमे वॉक करती हुई दिख रही हैं। जूम एक रिपोर्ट की माने तो कैटरीना अनुष्का शर्मा की तरह ही लंदन में अपने बच्चे की डिलीवरी कर सकती हैं। पति विक्की कौशल भी उनके साथ हैं। कैटरीना और विक्की ने 2021 में राजस्थान में शादी की थी। पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को दोबारा बुलाया। पहले कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन तक समाज सेवा करने और निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दे दी थी। वहीं पिता को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 19 मई को नाबालिग ने पोर्श कार से 2 आईटी इंजीनियर्स युवक युवती को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के पिता सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। आ रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी।